हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। और अभी हम लोग खेत तरफ से आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सारस पंछी है जो कि बादल छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ है झारखंड में, और लावका और गर्जा की वजह से ये जो है पेड़ से गिर गया और इसका पैर टूटा हुआ है। यहाँ पे भी जख्म है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे जख्म है तो अभी इसको हम लोग मलहम पट्टी करेंगे और इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा ये अभी भींगा हुआ था तो सूख गया है, और कुछ खिला पिला भी दिए हैं, थोड़ा सा मछली उछली था तो उसको खिलाए हैं, और अभी और भी अभी वीडियो में खिलाएंगे। आप लोग बने रहें, आप लोगों को दिखाते हैं और इसका पूरा मलहम पट्टी करते हैं, तो आप लोग बने रहें। आप लोग अभी देखिएगा इस तरह से इसका मलहम पट्टी होता है। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग मलहम पट्टी इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा सहारा देने के लिए इसमें कुछ लगा दिए हैं जिससे कि पैर पूरा सीधा रहे, आप लोग देख सकते हैं। और इसको अभी पट्टी करने का कोशिश भैया कर रहे हैं। ये लगभग हो सकता है ये 15 दिन लगभग ठीक हो जाएगा, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा अभी इसको पूरा इलाज करने का। और हमको लगता है ये 2-3 दिन से भूखा भी था, तो खाना उना खिला दिए हैं इसको, और देखते हैं अब ये इसको इलाज करेंगे फुल इलाज। इसका पट्टी हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और ये पैर जो है ना अब सीधा हो चुका है। ये बिल्कुल टेढ़ा था तब ये सीधा हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं अभी पांव मड़ाने सकता है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, ये सारस है, देख लीजिए ये पूरा। ये लगभग अब जो है ना ये भागने का सोचता है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत बहुत काम कर गया ये चीज जो है ना, हम लोग बनाया जो लकड़ी का और पैर में दिए हैं तो ये काम कर गया। यहाँ पे चोट है तो उसी में थोड़ा सा चोट है, ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ मलहम मलहम लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है, ये सारस पंछी है, जहां तक हम लोग को लग रहा है ये सारस पंछी है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है, बच्चा है एकदम, बिल्कुल सारस पंछी का ये बच्चा है, अभी छोटा सा है। और इसको अभी हम लोग रखेंगे पूरा इलाज जब तक नहीं हो जाता है, इसको अभी हम लोग रखेंगे। बहुत बड़ा सा इसका आप लोग देख सकते हैं पंख कितना बड़का है, इसका पंख आप लोग देख सकते हैं, जबकि ये बच्चा है अभी, और इसका पंख आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पंख है। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग इसको खाना खिलाने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मछली का टुकड़ा है, तो अभी ये मछली का टुकड़ा हम लोग लाए हैं, अभी इसको खिलाएंगे और इसका जान बचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, लेकिन कोई भी अगर मर रहा हो तो उसका जान बचाना फर्ज है। वही काम हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, इसका जान किस तरह से बचाया जाए। और अभी इसमें हम लोग खाना उना खिलाते हैं, आप लोग बने रहें, आप लोग देखें कि किस तरह से सारस पंछी को हम लोग खाना उना खिलाएंगे। ये मछली खाने वाला जानवर है, तो अभी हम लोग मछली खिलाते हैं, मछली का टुकड़ा हम लोग के पास अभी है तो खिलाते हैं, आप लोग बने रहें।
हाँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम इसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खा रहा है बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा से ये खा जा रहा है। बहुत ज्यादा ये भूखा था, आप लोग देख सकते हैं पूरा लीन दे रहा है मछली को। कोई भी जानदार जो है वो मेहनत करने के बच जाता है जान। ये अगर यूं ही पानी में पड़ा रहता तो इसको ये मर जाता, लेकिन हम लोग इसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जिंदा रहे, इसको भी जीने का हक है। अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, हमको लगता है ये 2-3 दिन का होगा, 4 दिन का, इससे ज्यादा नहीं है, 3-4 दिन का है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये खाना खा रहा है। जिस टाइम इसको हम लोग लाए थे लग नहीं रहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया। खाना भी उस टाइम नहीं खा रहा था, हम लोग जबरदस्ती इसको खिलाए थे, लेकिन खाना खाने के बाद दवा हुआ कुछ किए तो अब ये ठीक है। खाना ये खा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये पीने भी नहीं जानता है पानी वानी, बहुत बच्चा है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसको मेहनत किए, और ये आप देखते हैं कितना दिन में इसको हम लोग छोड़ सकते हैं जंगल में ले जाके, और ये इसको अभी पूरा हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं। ये जब तक ठीक नहीं हो जाता है यही रहेगा अभी, और जब ये ठीक हो जाएगा अपना पंख से उड़ना ये चालू कर देगा तो इसको जंगल में ले जाके हम लोग छोड़ देंगे, अपना ये जिएगा। तो अभी आप लोग बने रहें, अगले नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को इसको इसके बारे में कुछ बताएंगे, हो सकता है आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो आप लोग अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।